हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेस की बात करते हैं जो कि है दिल्ली रेस, डेट है 39/2024। टोटल रेस का कार्ड है, शॉर्ट रेस कार्ड है। ऑफकोर्स देखे जाए तो अभी आपको पता चला ही होगा कि अभी कुछ रेसेस मतलब बहुत ही ख़राब कर रहे हैं, जैसे कि पूना भी देखे अभी ख़राब ही हुआ। बट हमारा जो चॉइसेस ऑफकोर्स ज़्यादा बोर्ड पे, बट अभी तो दिल्ली तो शुरू हुआ है, बट कार्ड तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो मेरे हिसाब से अभी तो ठीक ठाक कार्ड दिख रहा है अभी दिल्ली का। आई होप अभी सो बेस्ट होगा दिल्ली इस वक्त। सो बात करते हैं अभी दिल्ली का फर्स्ट रेस का, द डिगामिस्ट प्लेट क्लास 4 1200 मीटर। सो दिल्ली का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 2 नंबर हॉर्स अश्व सिग्मा जॉकी AS पीटर। ओके, ऑफकोर्स इसका रन्स देखे जाए तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब हमेशा बोर्ड पे तो दे बोल सकते हैं कि फॉर्म में। और मोस्टली देखे जाए तो लास्ट टू रन्स में मतलब थर्ड और विनर है, बट पाव अच्छा था, मतलब फेवरेट बनते आया है। ऑफकोर्स लास्ट टाइम डायलैंड से जीता है घोड़ा, वेट ऑफकोर्स मेरे सबसे ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण नायडू ऑफकोर्स सही राइडर है, AS पीटर भी एक ज़बरदस्त राइडर है, मुझे पता है। सो स्टार्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट भी अच्छा लेता है। बे ऑफ इसका जैसे उस फील्ड में विन मार चुका है, बट इतना ही बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक इतना खास तो फील्ड ने देखा है। अश्व सिग्मा जस्ट फॉर्म में, हमेशा बोर्ड पे आ रहा है, चौकी भी अच्छा है, आई होप उसी की बदौलत बोर्ड पे आना चाहिए। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का, दिल्ली का फर्स्ट रेस का। हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डैट इज़ द 5 नंबर हॉर्स फ्रेंको जॉकी है शिवम। ओके, लास्ट वन ही इसका मतलब सवाई क्लेन से जीता है घोड़ा। ओके, वेट तो अभी बहुत ही लो कैरी करके जा रहा है, -3.511 से, तो आई थिंक 47 के आसपास होगा। अमन था सही राइडर था, बट अभी एक फॉर्म जॉकी है जो कि शिवम को बिठा है, ऊपर से लास्ट टाइम स्टार्ट भी सही लिया था। सरमोर तो इतना निकास तो फिर, बट उससे पहले देखिए शमशेरा जैसे घोड़े को भाग चुका है, मुझे पता है शमशेरा एक अच्छा घोड़ा है, उस भाग चुका है। बट उसके बाद जैसा लूज फील्ड मिला ऑफकोर्स सवालन से तो दिखा दिया है, तो बोल सकते हैं कि फॉर्म में ये भी थोड़ा ओपन ही कार्ड है, क्योंकि इधर 3 भी अच्छा है डेरिंग दिवा। बट यहाँ पे दो ही चॉइस लेके चलूँगा, तो फर्स्ट रेस में 2 और 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं अभी दिल्ली का सेकंड रेस का, तो स्टॉल्डर्स वेल्स प्लेट क्लास 3 1200 मीटर। सो दिल्ली का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स किंग क्रेजी जॉकी है GS शिकावत। ओके, ये बिकॉज ये क्लास 3 की रेस है, एंड जो 3 नंबर है किंग्स क्रेजी, लास्ट टाइम देखिए क्लास 2 में सेकेंड हो चुका भी एज अ फेवरेट रेक है। ओके, अभी शॉर्ट हेड से रह गया था, सो वेट अभी तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेम राइडर है, उसी के हाथ में लास्ट टाइम सेकेंड हुआ, मतलब जीतते जीतते रह गया था, ऊपर से फ्रंट रनर है घोड़ा। आशा फिगारो मुझे पता नहीं, बट उसको सेकेंड हो चुका है, बट उससे पहले देखिए एंग्लिया जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है। ओके, वो भी यहाँ पे भी नेक्स्ट से हो गया था। सो आशा राउड़ी ऑफकोर्स एक अच्छा घोड़ा है, वो भी उसको भाग गया आशा टोक्यो। सो थोड़ा ठीक ठाक फील्ड भी देखा है ब्लू टाइगर, सो किंग क्रेजी एक बेटर घोड़ा बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे एंग्लिया यहाँ पे भाग रहा है, बेटर राइडर भी है, तो इसलिए पर मैं 3 को चूज़ किया हूँ। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, दिल्ली का सेकंड रेस का। हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डेट इज़ अ 4 नंबर हॉर्स टेंटलाइजिंग स्टार जॉकी है धनु सिंह देवरा। ओके, जस्ट बिकॉज इसका लास्ट 3 रन्स देखे जाए तो हैट्रिक हो चुका है एज अ विनर, लास्ट 3 रन्स हैट्रिक हो चुका है, अभी लेंथ से दिखाते आ रहा है, ऊपर से लास्ट टाइम 3.25 लेंथ से जीत चुका है घोड़ा। वेट ऑफकोर्स थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से सही है। ओके, एंड धनु सिंह देवरा सेम राइडर, लास्ट टाइम वही राइडर था, फिर से वही राइडर है जो कि धनु सिंह देवरा, उसी या तो मैं लास्ट टाइम 3.25 लेंथ से जीत चुका है घोड़ा। ओके, और यहाँ पे देखिए जैसे शू चेंज होने के बाद, ओके शू चेंज होने के बाद तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दिया, लगातार 3 विनर हो चुके। ऑफकोर्स स्टार्ट बढ़िया लेते हैं घोड़ा, एंड गोल्डन ड्रैगन ऑफकोर्स एक ठीक ठाक घोड़ा बोल सकते हैं, उस पीढ़ के सबसे उधर मार चुका है, बस इतना ही बोल सकता हूँ जस्ट फॉर्म में टेंटलाइजिंग स्टार। तो मेरे हिसाब से सेकेंड रेस में 3 और 4 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी दिल्ली का थर्ड रेस का, द सैडलर प्लेट डिवीजन 1 क्लास 2 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है, एक मिनट, डैट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स अश्व कंचन जुंगा। ओके,
बिकॉज यहाँ पे देखे जाए तो अश्व कंचनजुंगा लास्ट टाइम देखे जाए तो एज अ विनर है, ओके okay? क्योंकि क्लास 2 की रेस से ओके एंड जो अश्व कंचनजुंगा है लास्ट टाइम एज अ विनर है क्लास 1 में, ओके okay? एंड देखे जाए तो बहुत ही टाइट फील्ड में भागते आए, जैसे कि बहुत हार्ड हार्ड फील्ड में देखा है, जैसे डर्बी भी विनर है एक बार, ओके एंड एक्चुअली देखे जाए तो आई थिंक बैंगलोर भी भागा है घोड़ा, सो एक बेटर घोड़ा है। वेट ऑफकोर्स 60 ले जा, पर मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट ठीक ठाक है। फैजत था पहले भी कुरेशी, एक बेटर राइडर है, सही राइडर है, ओके पास स्टार्ट भी सही लिया था। रिस्पॉन्स फॉर लव जैसे घोड़े को मार चुका है इतना खास तो नहीं, बट उससे पहले देखिए अशो टोक्यो, शेरशाह, अरलीडा, विवेल्डो, एग्लिया, जबारी, सो आई थिंक इधर यहाँ पे फेवरेट होना चाहिए अशोक कंचनजुंगा। सो बात करते हैं उसी रेस का, दिल्ली का थर्ड रेस का, हमारे जो सेकंड चॉइस होगा डेट इज़ अ 2 नंबर हॉर्स बोनीटा जॉकी है विवेक जी, ओके बिकॉज लास्ट टू रन देखिए ये भी क्लास 1 में मतलब सेकंड सेकंड हो चुका है, सो ऑफकोर्स ये क्लास 2 की रेस है, ये भी क्लास डाउन होके आ रहा है, तो इसका एक बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम देखिए हेड से बच गया था, वेट भी मतलब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड सेम राइडर ज़्यादातर विवेक जी की उसी के हाथों में चलते आए घोड़ा, फिर से अभी वो ये राइडर है और लास्ट टाइम सेकेंड हो चुका है, तो स्टार्ट का ही प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम स्टार्ट बहुत खराब रहता है। चीता जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है, बट अश्व टेन जी एक अच्छा है, अक्यूमलेट एक अच्छा है, ओके पूरा ठीक ठाक फील्ड देखा है, बट अश्व कंचनजुंगा देखा जाए तो बहुत ही टाइट फील्ड देखा है। सो मेरे हिसाब से थर्ड रेस में 1 एंड 2 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग आप ऐसी का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं अभी दिल्ली का फोर्थ रेस का, द सैडलर प्लेट डिवीजन 2 क्लास 2 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज अ 5 नंबर हॉर्स अश्व राउडी जॉकी AS पीटर, ओके जस्ट 1 मिनट, हाँ ये भी क्लास 2 की रेस है, ओके और जो अश्व राउडी है लास्ट टाइम देखिए क्लास 1 में फोर्थ हो चुका है, बहुत पहले उधर भी फोर्थ हो चुका है, सो लास्ट वन सही है, क्लास 1 में अभी क्लास डाउन होके आ रहा तो उसका एक बेनिफिट होगा, वेट भी मेरे हिसाब से सही है, ओके अर्जुन था बैल अभी AS पीटर, एक ये भी अच्छा राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम, स्टार्ट सही लेता है। ऑफकोर्स अश्व कंचनजुंगा जैसे घोड़े को फोर्थ भाग चुका है, अश्व टोक्यो को ओके रॉकेट पांडे, सो थोड़ा बेटर फील्ड देखा है अश्व रावड़ी, तो इजिली तो बोर्ड नहीं छोड़ना चाहिए मेरे सबसे। तो बात करते हैं उसी रेस का, दिल्ली का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज़ द 6 नंबर हॉर्स गैलवे बे जॉकी AS मोहसिन, लास्ट टाइम देखिए सेकेंड हो चुका है, वेट भी सही है और ये रिफान था अभी AS मोहसिन, वेल एक अच्छा राइडर है AS मोहसिन, लास्ट स्टार्ट भी सही लिया था। अश्व यशोदा जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है, अच्छा घोड़ा है, देन बहुत पहले इधर खास तो फील्ड नहीं देखा पर लास्ट रन सही है मेरे हिसाब से, तो इतना ही बोल सकता हूँ। तो दिल्ली का फोर्थ रेस में मेरे हिसाब से 4 एंड 5 में, सॉरी 5 और 6 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं अभी दिल्ली का फिफ्थ रेस का, था हरियाणा प्लेट क्लास 5 लेवल 100 मीटर। सो दिल्ली का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 5 नंबर हॉर्स स्ट्राइड अवे जॉकी है राजेंद्र सैनी, ओके बिकॉज ये है क्लास 5 की रेस है, ओके एंड जो स्ट्राइड अवे लास्ट टाइम देखे क्लास 4 में मतलब 2 टाइम फोर्थ हो चुका और लास्ट टाइम थर्ड हो चुका है, यहाँ पे नोट कीजिए यहाँ पे वीप लॉस भी हो चुका है, आई होप फिर भी उसके बावजूद थर्ड हो रहा है, तो अभी गलती ना करेंगे तो और बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, वेट भी सही है। पी सैनी जैसे घोड़े सॉरी जॉकी ने थर्ड कराया है, अभी राजेंद्र सैनी है, ओके एंड लास्ट टाइम मतलब यहाँ पे देखिए स्टार्ट अच्छा लेते आया था घोड़ा, बट लास्ट टाइम इतना खराब स्टार्ट लिया था और वीप लॉस्ट हो गया, फिर भी उसके बावजूद थर्ड हो चुका है। ये फील्ड के सबसे आई नो गॉर्नेरियस ठीक ठाक घोड़ा बोल सकते हैं, बट इतना खास तो फील्ड है देखा है इतना ही बोल सकता हूँ, जस्ट लास्ट टाइम वीप लॉस्ट हो गया और अभी क्लास डाउन होके आ रहा है, तो आई थिंक बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो बात करते हैं अभी उसी रेस का, दिल्ली का फिफ्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज़ द 6 नंबर हॉर्स सरमोर जॉकी है शिवम, ओके ऑफकोर्स इसका रन देखी जाए तो बहुत ही सही है, हमेशा बोर्ड पे एज अ फेवरेट, लास्ट टाइम सेकेंड हो चुका है, वेट 53 था अभी 57 है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि -3.511 से तो सही वेट है, सेम राइडर है उसी के हाथों में, लास्ट टाइम सेकेंड हो चुका है, फिर से वही राइडर है, ओके लास्ट टाइम मतलब ठीक ठाक स्टार्ट लिया था, मास्टर बॉमर जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है, बट इतना खास तो नहीं,
फिर देखा है अभी तक से, बट फॉर्म में घोड़े में हमेशा बोर्ड पे, तो अभी तक बोर्ड तो नहीं छोड़ रहा है, तो आई थिंक फिर से बोर्ड पे आना चाहिए रिपीटली। सो फिफ्थ रेस से मेरे सबसे फाइव और सिक्स में आपको जो है बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चार्ज दीजिए। तो बात करते हैं हम अभी दिल्ली का सिक्स एंड द लास्ट रेस ऑफ द डे, द संता रोजेना प्लेट क्लास 4000 मीटर। सो दिल्ली का सिक्स रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है आ गया, डेट इज द 14 नंबर हॉर्स अश्व कोहिमा जॉकी ए एस पीटर। ओके ओके, यहाँ पे देख जाए तो फॉर्म दिखाया घोड़े ने, मतलब हम थोड़ा बहुत तो पोर्ड पे आ रहा है। लास्ट रन देखे जाए तो सेकेंड हो चुका है, लास्ट बहुत ही लो वेट था, अभी भी लो वेट ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवम था, अभी एस पीटर है, सही राइडर है और स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अश्व सुल्तान जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है, वैसे इतना खास तो फील नहीं था, आई नो अश्व का निका एक अच्छा है, उसको एक बार सेकेंड हो चुका है। सो देखे जाए तो फॉर्म में घोड़े में अश्व कोहिमा में, तो बोर्ड इजीली आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का, दिल्ली का सिक्स रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डैट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स मिस्सी बॉय जॉकी है एम शाहिद। ओके, इसका भी यहाँ पे रन देखे जाए तो हमेशा बोर्ड पे। ओके, लास्ट टाइम देखिए थर्ड हो चुका है, वेट मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट भी सही है। किरण नाइट होता वेल, एम शाहिद ये भी अच्छा ही राइडर है, लास्ट टाइम स्टार्ट भी ठीक ठाक लिया था। बेलेजियो आई नो एक अच्छा घोड़ा है, उसको थर्ड हो चुका है, 10 टेलिंग स्टार। सो ब्लू टाइगर को दो बार, एबिंगटन थोड़ा ठीक ठाक फील्ड भी देखा है, जस्ट क्लास डाउन होकर होके आ रहा है, तो आई होप उसी के बदौलत सही राइड करेंगे तो इसी बॉय बोर्ड पे आना चाहिए। तो सिक्स रेस पे मेरे सबसे 3 एंड 14 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग या प्लेसिंग का चांस ले सके। तो ये रहा हमारा टोटल दिल्ली रेस का सिक्स रेस का टिप्स एंड सिलेक्शंस। देखिए जाए तो कार्ड वैसे तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट रेस का कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि आजकल रेस बहुत ही खराब कर रहे हैं, तो इसलिए प्लेसिंग का चांस नहीं है तो बेटर होगा। सो बेस्ट गुड लक फॉर द दिल्ली रेस, तब तक अगले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।